इंडिया के कैप्टन कौन है? अब आपको लगा होगा मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इंडिया एज एन इकोनॉमी एज ए कंट्री के कैप्टन की बात कर रहा हूँ, मिस्टर मोदी। सो मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें मोदी जी का ये जो 9 साल का कार्यभार था उसको उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला है। सो अब इंडिया के कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आईपीएल के कैप्टन की भी बात करेंगे। आईपीएल किसने जीता है? सीएसके ने जीता है। कैप्टन कूल ने फिर से एक बार आईपीएल में बाजी मारी है एंड दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोमो कोड कैप्टन कूल। सो यू विल गेट 60% दैट इज हाईएस्ट एवर डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज एंड रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो investindia.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मात्र 4,000 रुपए में आप सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसने काफी अच्छा बोला है इंडिया के बारे में। लास्ट 9 ईयर्स में, स्पेसिफिकली आफ्टर 2014, इंडिया का जो ओवरऑल ग्रोथ रहा है या फिर जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लिए है, ग्रोथ मतलब आप बोलेंगे अरे GDP नंबर्स वगैरह तो खराब थे, उसके बीच में हमने रिसेशन भी देख लिया कोविड के, ऑल दोज थिंग्स। सो मेजरली पॉलिसीज जो ली गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन पॉलिसीज को काफ़ी सराहा गया है इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। और ये भी बोला है कि आने वाले 9-10 सालों में इंडिया इज गोइंग टू बी अ की ड्राइवर इन एशियाज ग्रोथ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उनका कहना है कि सप्लाई साइड का जो ग्रोथ है इंडिया का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली, तो उसमें इंडिया विल परफॉर्म मच बेटर इन कमिंग ईयर्स। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने ली है, स्पेसिफिकली मेक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की हम बात करते हैं जो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स प्रेजेंट हमें लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है जो अपने एक्चुअल फ्रूट्स जो है वो आने वाले 8-9 सालों में देंगे, ऐसा उनका कहना है। और कुछ नंबर्स भी उन्होंने सामने वहाँ पे रखे हैं जिन नंबर्स को हम समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। मेजरली ये जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, जो ऑलरेडी कुछ कुछ सेक्टर्स में हमने ऑलरेडी देख भी लिए है। और अब जो बाकी अदर सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल्स हो, एंसिलरीज हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, या डिफेंस की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट की बातें करते थे, अब नाउ हम एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी डिफेंस में देखना हमने शुरू कर दिया है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये अपने फ्रूट्स जो है वो अब देना शुरू कर देंगे। और आने वाले समय में ये नंबर्स भी वही सजेस्ट करते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो कैपेक्स का इस साल का बजट भी आप लोगों ने देखा होगा, 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स बजट इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो बजट है उसमें हमने इस बार देखा है। ऐसा लग रहा था कि भाई नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये ही वो लास्ट बजट है गवर्नमेंट के पास जहां पे पॉपुलिस्ट मेजर लिए जा सकते थे, बट गवर्नमेंट ने वैसा कुछ नहीं किया और जो फोकस था वो कंप्लीटली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे ही रखा। दैट वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस ईयर्स बजट। अब नेक्स्ट ईयर का बजट तो फुल फ्लेजेड वो दे ही नहीं सकते बिफोर इलेक्शंस, सो दिस वॉज द ओनली चांस दे हैड टू टेक सम पॉपुलिस्ट मेजर्स। जो गवर्नमेंट ने नहीं लिए और जो फोकस था वो स्पेंडिंग पे ही रखा, कैपेक्स पे, सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव साइन जो उनको यहाँ पे लगता है। अगेन व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो सप्लाई साइड वाला जो फोकस है गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है आने वाले समय में या फिर बाय 2031 अप्रॉक्सिमेटली 5% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है ओवरऑल GDP में वो बढ़ जाएगा। आई थिंक दिस इज अ बिग नंबर। सो ये सारे फैक्टर्स अगर होते हैं तो ऑब्वियसली अब ये शेयर अगर बढ़ेगा GDP में तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली इंडिया स्पेसिफिक ओनली। आई थिंक एक्सपोर्ट में भी ये नंबर बढ़ सकता है। डू यू नो दैट करंटली ग्लोबल एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंडिया का नंबर इज बिटवीन 2-2.2%, और ये जो नंबर है बाय 2031 ये 4.5% तक ऊपर जा सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। 4.5% मतलब 2 times हो जाएगा। I think this is going to be a big jump in exports और specifically manufacturing exports। हम जो ये numbers बात देख रहे हैं ना कि जो अभी $800 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट्स है जिसमें सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला के 700-800 बिलियन डॉलर, दिस नंबर विल गो टू ऑलमोस्ट $2 trillion। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो हमेशा हम ये नंबर देखते, पीयूष गोयल जी हमेशा ये नंबर हमें बताते जाते हैं, बट
ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट से आता है तो हम बोले अरे फिर तो मतलब गवर्नमेंट का तो काम ही होता है, ये तो प्रमोट करते रहना चीज़ें, और गवर्नमेंट के तरफ से अगर आ रहा है तो अल्टीमेटली फिर उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाता है। आई थिंक 2024 है हमारे पास पॉलिटिक्स में जाने के लिए। टिल दैट टाइम आई थिंक लेट्स फोकस मोर ऑन द नंबर साइड। सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव नंबर। अगर 4.5% तक ये नंबर बढ़ जाता है तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स अगर इतने बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कंपेयर टू जीडीपी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अराउंड 17% के प्रॉफिट्स यहाँ पे देता है, ये डबल हो सकता है इन नेक्स्ट 8 to 9 years या नेक्स्ट डिकेड में। सो इट मीन्स अराउंड 34% तक के प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स या प्रॉफिट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ सकते हैं, सप्लाई साइड से आ सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ही बढ़िया वहां पे हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स देखेंगे अब, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। सो मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं जब ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट करना शुरू होंगे, एक्सपोर्ट्स में हमारे नंबर्स अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे, तो बाहर का कैपिटल भी इंडिया में आएगा इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो वहां पे भी अच्छे खासे FDI के नंबर्स भी हम आने वाले 8 to 10 years में देख सकते हैं इंडिया में। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और FDI इज अ कमिटेड कैपिटल, ये शादी होती है, ये अफेयर नहीं होता FPIs की तरह कि भाई कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म, तो उसमें एक कंसिस्टेंसी आती है, एक स्टेबिलिटी होती है उसका कैश फ्लो में, उस कैपिटल में। सो आई थिंक वो भी अगर इंडिया में आएगा सो दैट विल ऑल्सो वर्क रियली वेल। सो एडिशनल फ्लोज और FDI एक बार आ जाता है, एक बार आपके ग्रोथ के नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स ऊपर चले गए, सो आई थिंक ऑटोमेटिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी आते हैं जो हमारे मार्केट्स को ऊपर लेके जाते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से तो हमने देखा ही है एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 2 to 2.5 lakh crore रुपए का कमिटमेंट एवरी ईयर हम देख रहे हैं। SIP बुक हो या फिर EPF का पैसा हो या फिर LIC की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ गया है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल आर लुकिंग रियली गुड। अब इस 1-2 years की अगर हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स विल बी अंडर मच कंट्रोल। इन FY24 बार्क्लेस की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है 1.1% का ये नंबर हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज FY24। और जैन से लेके मार्च तक का जो नंबर है जो अभी डिक्लेयर होगा वो तो करंट अकाउंट सरप्लस में भी उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए हो सकता है। सो फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इज अ वेरी पॉजिटिव नंबर फॉर अस। प्लस अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा फोकस इसी तरीके से चलता रहा, जो प्रेडिक्शंस लिए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन पे अगर वो खरे उतरते हैं तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो कंट्रोल आर एनर्जी बजट, सॉरी एनर्जी बिल्स और स्पेसिफिकली इंपोर्ट बिल्स। आई थिंक दैट विल ऑल्सो वर्क रियली वेल फॉर आर करंट अकाउंट डेफिसिट्स। सो ऑब्वियसली अगर करंट अकाउंट डेफिसिट्स कंट्रोल में रहेंगे तो आई थिंक करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल नॉट डेप्रिशिएट वेरी हाईली या वेरी लार्ज डेफिसिट, सॉरी डेप्रिसिएशंस हमारे रुपी में नहीं रहेंगे। सम डेप्रिसिएशंस विल बी देयर, आप कितना भी बोल लो, कितनी भी बढ़िया गवर्नमेंट लाओ, कितना भी कुछ भी काम करते रहो, जब तक इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस रहेगा इंडिया और US में, अगर इंडिया में अराउंड 7% का 10-year जिसे गिल्ड है, US में दैट इज अराउंड 3.5% का, तो ये जो डिफरेंस है उतना डिप्रिसिएशन तो होने ही वाला है। कितना भी बड़ा देशभक्त आके भी वहां पे बोले कि नहीं रे हम तो होने ही नहीं देंगे डिप्रिसिएशन, जब तक ये डिफरेंशियल कम नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। दिस इज द लॉ, अदरवाइज एवरीबडी विल कम एंड इन्वेस्ट हियर ओनली ना, अगर डेप्रिसिएशन ही नहीं है और हाई इंटरेस्ट अगर इंडिया में मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, तो व्हाई विल समबडी गो एंड इन्वेस्ट इनटू US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड नॉट इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट्स अ लॉजिक। सो प्लीज उस इसमें मत जाइए कि हम उसको स्ट्रांग करेंगे, अरे कहां गया ये, दिस इज अ नेचुरल डेप्रिसिएशन। सो जब भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज्यादा होता है ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन होता है, जब वो कम हो जाएगा तो स्टेडीली आई थिंक इट विल अप्रिशिएट ऑल्सो, या फिर अगर हम उससे नीचे गए इंटरेस्ट रेट में और वो हमारे ऊपर आए तो उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। सो दिस इज द लॉ, और इन्फ्लेशन वगैरह ये सारे फैक्टर्स भी उसमें प्ले आउट करते रहेंगे। सो लॉन्ग टर्म में दिस डिफरेंशियल इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी, ये भी समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मॉर्गन स्टैनली ने और क्या बोला है उस रिपोर्ट में, गवर्नमेंट को जो उन्होंने क्रेडिट दिया है गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने कम किए उसको बहुत बड़ा क्रेडिट दिया है, 30% to 25% पे जब से कॉर्पोरेट टैक्सेस किए हैं तब से प्रॉफिट टू GDP रेशियो इज इंक्रीजिंग।
विच इज अ पॉजिटिव थिंग. सो मीन्स मोर कॉर्पोरेट्स आर रिपोर्टिंग जेन्युइन इनकम्स, दैट्स अ पॉजिटिव साइन. मतलब टैक्स चोरी जो है बाय रिड्यूसिंग इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, टैक्स चोरी एक्चुअली कम हो रही है. सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. आई होप कि पर्सनल इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगा और आने वाले समय में हम लोअर टैक्सेशन देखेंगे. जो हमने ऑलरेडी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट जो 42% का था वो 38% पे आता हुआ देखा है इंडिविजुअल टैक्सेशन में. तो आशा करेंगे कि वो नंबर और यहाँ पे आगे आने वाले समय में थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडरेट हो जाए, नीचे आ जाए. सो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है गवर्नमेंट का, या फिर ग्रोथ के नंबर जो हमें देख रहे हैं, स्पेसिफिकली कैपेक्स के नंबर से हम देखते हैं, इन लास्ट 2-3 ईयर्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कैपेक्स के बजट्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए है. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, जिसके रिजल्ट्स जो है वो आने वाले 4 या 5 सालों में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखना हमें शुरू हो जाएंगे. देन जो गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट्स दे रहा है इसके बारे में भी उन्होंने बोला है. जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है इसमें जो कंप्लीटली मिडिलमैन निकल चुके हैं, सो पैसा डायरेक्टली जो बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग. एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो चल रहा है, जो GST वगैरह के जो इम्प्लीमेंटेशन हुए, GST के नंबर्स जो जिस तरीके से ऊपर जा रहे, तो ये सारे फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट रियली वेल फॉर इंडिया एंड दैट्स वाई नेक्स्ट डिकेड विल बिलोंग टू इंडिया. सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस ग्रोथ स्टोरी, इक्विटी इज वन एसेट क्लास यू शुड नेवर मिस आउट ऑन. बट हैव रैशनल एक्सपेक्टेशंस, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस. नॉमिनल GDP ग्रोथ जितना रहेगा उतना इन बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन हम इक्विटी साइड से लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं. दैट इज द लॉजिक. उसके ऊपर आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, फंड मैनेजर है, किस तरीके से अपना एक अल्फा क्रिएट करता है, दैट विल गिव यू एडिशनल रिटर्न्स. या फिर अगर नहीं कर पाया तो लेस देन बेंचमार्क भी वो रिटर्न्स आ सकते हैं. तो आशा करूंगा कि आप जरूर इक्विटी एज एन एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियोज बिल्ड करोगे. उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट आर रिलेशनशिप सेल. investindia.in पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है. 1-on-1 सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन बुक दोज सेशंस ऑल्सो. आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.